तो अभी मेरे हाथ में एक बल्ब है, इसके थ्रू हम थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट समझेंगे कि बल्ब किस तरह वर्क करता है। तो ये जो ऊपर की जो लेयर है एक ग्लास से बनी होती है और इसके अंदर जो गैस होती है नाइट्रोजन और आर्गन गैस होती है। तो अगर हम इस गैस के ऊपर का जो बल्ब है उसको तोड़ दें तो क्या होता है? तो अभी आप देखोगे इसको मैं जैसे ही कनेक्ट करता हूँ, जैसे अभी मैं इसको कनेक्ट करने जा रहा हूँ हमारे बोर्ड में, जैसे मैंने इसको कनेक्ट किया, जैसे स्विच ऑन होगा तो ये क्या होगा, जलने लगेगा। जो सीधी बात है जलेगी और क्या होगा, जैसे जलने लगा है। अब इससे थोड़ा समझेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हीटिंग इफेक्ट किस तरह होता है। जैसे कि हाथ को मेरे थोड़े से हीट फील हो रही है, इस बच्ची को थोड़ी सी हीट फील हो रही है और यहाँ बोल रही है हीट हो रही है। अब हम क्या करते हैं, ये ऊपर का जो ग्लास है ग्लास को तोड़ देते हैं और कि बिना नाइट्रोजन के ग्लास की ये बल्ब किस तरह जलता है। तो ये मैंने अभी तोड़ दिया, तो इसको वापस हम कनेक्ट करेंगे और देखेंगे क्या होगा। अभी मेरे हाथ में फिलामेंट है, जो ऊपर जो मेरे हाथ के जो हिलता है दिखाई दे रहा है, ये बहुत हार्ड मेटल टंगस्टन है। तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है 3380 डिग्री होता है। जैसे ही मैंने इसको कनेक्ट किया और इसको ऑन करते हैं, ऑन करने से क्या होगा, ये आपने थोड़ा सा देखा जला और जो जहाँ टंगस्टन था पूरी तरह से क्या हो गया, राख हो गया, क्योंकि इसके साथ केमिकल रिएक्शन हुआ जो ऑक्सीडेशन करने पूरी तरह से जल चुका है। थैंक यू।